हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फ्री फायर के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि आप क्राफ्टलैंड कस्टम के मैप कैसे बना सकते हैं अपने मन चाहे। सो गाइस, आपको पहले यहां पे कॉर्नर में जो क्राफ्टलैंड दिख रहा है वहां पे दबा देना है। उसके बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। गाइस, हम आ गए हैं मैप एडिटिंग में। सो गाइस, आज हम मैप को एडिट कर देंगे यहां से। यहां पे जो भी अगर आपको पसंद नहीं है उसको माइनस करके आप हटा दीजिए। मैं एक बार सारे हटा देता हूं जिससे कि बहुत बढ़िया लुक आएगा। सो गाइस, ये सबको हटा देते हैं जल्दी जल्दी। मैं 2 की स्पीड कर लिया जिससे कि आप अट्ठाजा। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, जल्दी जल्दी सारे हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। पूरी जगह खाली करनी है जिससे कि अच्छा लुक आएगा और उसके बाद हम अपने मनचाहे लुक से बना सकते हैं। शायद ये मेरे हिसाब से क्राफ्टलैंड बनाने का जो है वो मैक्स में होता है, ऐसे नहीं होता। तो गाइस, आपको अगर क्राफ्टलैंड मैप बनाना है तो आपको मैक्स डाउनलोड करना पड़ेगा। तो गाइस, हमारे मैदान एकदम खाली हो चुका है। तो अब हम ये लगाएंगे टावर और जगह क्या खतरनाक लुक आएगा। सो गाइस, जैसे कि ये टावर जल्दी जल्दी लगा देता है उसको भी 2 की स्पीड से। तो गाइस, क्या लाइन में अच्छे लग रहे टावर। सो गाइस, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हैं वगैरह कुछ भी, लेकिन ये बात है आप घर के ऊपर घर नहीं लगा सकते। अगर लगा पाते तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते थे। ये फ्री फायर में पता नहीं क्यों रखा, घर के ऊपर घर नहीं बना सकते। तो गाइस, हम लोग जल्दी चार टावर लगा देते हैं जिससे और अच्छा लुक आएगा। तो जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। तो गाइस, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, लास्ट में आपको मेमोरी वाला ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आपका ये सेव हो जाएगा।